आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉरेन बुफे की। बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने बिल गेट्स की बायोग्राफी कवर की है, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी कवर की है, जैक मा की बायोग्राफी कवर की है, जेफ बेजोस की बायोग्राफी कवर की है, रतन टाटा की बायोग्राफी कवर की है, लेसन्स ऑफ लीडरशिप बताता रहता हूँ मैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बायोग्राफी कवर किया, लेकिन वॉरेन बुफे की कब करूंगा। वॉरेन बुफे की बात करें दोस्तों, तो भैया टॉप फाइव रिचेस्ट पर्सन हमेशा ये टॉप फाइव में रहते हैं, तीसरे, चौथे, दूसरे, अभी प्रेजेंटली ये तीसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है, वॉरेन बुफे का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। भैया इन्हीं के ही जो रूल्स हैं, तो गोल्डन रूल्स ऑफ वॉरेन बुफे, उसी को ही तो सारे स्टॉक ब्रोकर्स अपनाते हैं, तभी तो कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं। स्टॉक ब्रोकिंग की हम बात करेंगे दोस्तों, शेयर मार्केट की बात करेंगे, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वॉरेन बुफे क्या कहते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, वॉरेन बुफे की तरफ से टिप्स, सक्सेस होने के लिए टिप्स, और शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब इस लेक्चर में जानेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो वॉरेन बुफे की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म भैया तब हुआ था जब दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आई थी, 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। मैंने पूरा लेक्चर कवर किया है, लाखों लाखों लोग देख चुके हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, स्टॉक ब्रोकिंग सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट फेलियर आज का, ग्रेट डिप्रेशन। अब अमेरिका डूबता है तो पूरी दुनिया साथ में डूबती है। तो यहां पे हम देखते हैं, इसी दौरान अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में 1930 में जन्म हुआ वॉरेन हार्वर्ड बुफे। इनके पिताजी हार्वर्ड बुफे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इनके पिताजी बिजनेसमैन थे, स्टॉक ब्रोकिंग का इनका भी बिजनेस था। ग्रेट डिप्रेशन आया, सब बर्बाद हो गया। उसके बाद इनके पिताजी ने पहले बिजनेस खोला, बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इनकी माताजी जो थे लीला, आपको बता दूं कि इनकी माताजी बहुत ही इंटेलिजेंट, वैसे बताते हैं वॉरेन बुफे कि मुझे जो इंटेलिजेंस मिला है वो अपनी माँ से ही मिला है, गजब की मैथमेटिशियन, हाउसवाइफ थी, लेकिन बहुत ही मैथ्स में तो मास्टर थी। और इनकी दो बहनें हैं। अब एक और चीज आपको बता दूं कि वॉरेन बुफे बोलते हैं कि मेरी बहनें मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उनको हमेशा ये सिखाया गया है कि तुम लिमिट में रहो, तुम सक्सेस नहीं हो सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए लिमिटेशंस है। मुझे हमेशा यह सिखाया गया है कि मेरी लिमिट आसमान है। तो ये जो कल्चर का डिफरेंस है, ये बहुत ही गलत है। वॉरेन बुफे, आज वॉरेन बुफे कहाँ है, और उनकी बहनें भी सक्सेसफुल हैं, लेकिन वॉरेन बुफे जितना बड़ा नाम थोड़ी ना है उनका। तो ये कल्चर का डिफरेंस जो है, ये बहुत बड़ी रुकावट मानते हैं, औरतों की जो राह होती है सक्सेस की, उसमें ये बाधा है। तो वॉरेन बुफे की अगर बात करते हैं, तो 1930 में ये जन्मे, बहुत ही इंटेलिजेंट, मैथ से बड़ा प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात भैया, 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया था। वॉरेन बुफे एक वोरेशियस रीडर हैं। आज भी वॉरेन बुफे डेली 5 से 6 घंटा पढ़ते ही पढ़ते हैं, वोरेशियस रीडर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनके पिताजी ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, एक एक किताब पढ़ ली। 10 साल की उम्र में इन्होंने सारी किताबें पढ़ ली, स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, सब कुछ इनको जानकारी हो गई, कैसे शेयर मार्केट काम करता है। पिताजी को बहुत बड़ा ये कैटलिस्ट मानते हैं, पिताजी ने बहुत बड़ा इनके लिए काम किया, हर मोड़ पे वॉरेन बुफे को एडवाइस किया, कैसे तुमको करना है बिजनेस, कैसे बढ़ाना है। गलत डिसीजन कभी कभी वॉरेन बुफे ने लिया, तब भी इनके पिताजी ने टोका। तो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा क्लोज थे, अपनी माताजी से भी क्लोज थे, लेकिन मम्मी बहुत चिल्लाती थी इनके ऊपर। तो ये चीज है। अब हम यहां पे देखते हैं कि शुरुआती पढ़ाई तो इनकी नेब्रास्का में हुई, रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल। 7 साल की उम्र में इन्होंने कैसी किताब पढ़ी, जिंदगी बदल दी वॉरेन बुफे की। उस किताब का नाम था 1000 Ways to Make $1000। इस किताब में बिजनेस चलाने के गुण दिए हुए थे। वॉरेन बुफे ने इसको पढ़ी, सारी चीजें ट्राई की, डोर टू डोर सेल्समैन भी थे भैया वॉरेन बुफे, छोटी सी उम्र में डोर टू डोर घर घर जाके कोका कोला बेचते, कहीं मैगजीन बेचते, कहीं टॉफीज बेचते, कहीं अखबार बेचते, कहीं वॉशिंगटन पोस्ट को इन्होंने बेचना शुरू किया था, जो कि अखबार है अमेरिका का, और बाद में वॉशिंगटन पोस्ट को ही खरीद लिया था, कोका कोला को ही खरीद लिया था। बचपन में जो चीजें बेचते थे, आज उसी के ही मालिक है वॉरेन बुफे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने शुरू से ही बिजनेस शुरू कर दिया था, और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था। इन्होंने
पिनबॉल मशीन जो है वो इंस्टॉल कर दी थी एक बारबर के दुकान के सामने, नाई के दुकान के सामने एक पिनबॉल मशीन इंस्टॉल कर दी थी, बाद में उस मशीन को दुगने प्रॉफिट पे बेच दिया था। तो ये बिजनेस स्किल जो है पता चल गए थे कि भैया ये कहाँ जाके रुकने वाले हैं, तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों इनके पिताजी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। अमेरिका में दो पार्टी है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, इनके पिताजी रिपब्लिकन हो गए, पूरी फैमिली वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट हो गई। बहुत चिड़चिड़े हो गए थे वॉरेन बुफे क्योंकि नेब्रास्का से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इनका होम टाउन था, बहुत अटैच्ड थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मूड खराब हो गया था यहाँ पे वॉरेन बुफे का। कॉलेज गए तो कॉलेज में टीचरों को परेशान करना इन्होंने शुरू कर दिया, टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया। आपको बताना चाहता हूं टीचर्स इनसे काफी त्रस्त रहते थे, लेकिन टीचर्स को ये शेयर्स बेचते थे, बिल्कुल सही पहचाना, तो इसलिए टीचर्स इनको कुछ भी नहीं कहते थे। बहुत से बहुत ही ब्रिलियंट थे बहुत से वॉरेन बुफे पढ़ने में। और एक चीज बता दूं, वॉरेन बुफे का ये भी मानना है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मैथ्स आनी चाहिए, अकाउंट्स आना चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा एक्सेल करेंगे स्टॉक मार्केट। अभी हम सारी चीजें जानेंगे, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वॉरेन बुफे क्या कहते हैं, इनके रूल्स क्या क्या हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा, इन्होंने 3 शेयर खरीदे, सिटी सर्विस प्रेफर्ड। अब यहां पे हम देखते हैं सिटी सर्विस के इन्होंने शेयर खरीदे, ये $38 एक शेयर, $38 में खरीदे, काफी अच्छा खासा प्राइस है। अब ये पहले तो शेयर्स का दाम गया नीचे $27, चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे, कुछ नहीं किया। उसके बाद $40 पर शेयर दाम गया, सारे शेयर्स बेच दिए। अब यहां पे इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद में इसी का ही ये $200 तक चला गया था शेयर्स का प्राइस। वॉरेन बुफे को अपनी जिंदगी की पहली सीख मिली, स्टॉक मार्केट में रहना है तो बिल्कुल शांत रहना है, पैसे लगाओ भूल जाओ, पेशेंस सबसे बड़ा सक्सेसफुल सक्सेस टिप जो देते हैं वो, कि क्या वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे आप सक्सेस हो जाएं, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल धैर्य रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बुफे के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, वॉरेन बुफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 50 साल के बाद हुए। 50 साल से पहले ठीक ठाक थे, पैसा था ठीक ठाक था, 50 साल के बाद असली वेल्थ आई है वॉरेन बुफे के साथ। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई अगर कोई इंसान है ये सोच के जा रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, 1 साल में करोड़पति हो जाऊंगा, गलत है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि मार्केट बढ़ता है लेकिन ऊपर नीचे बढ़ता है, रिटर्न्स आपको मिलेंगे गारंटीड है, वेट करना पड़ेगा, तो ये चीज है। अब हम देखते हैं कि 11 साल की उम्र में तो उन्होंने शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, 15 साल की उम्र में इन्होंने और सारे शेयर्स खरीदे, ढेर सारे शेयर्स खरीदे दोस्तों। अपने टीचर्स को शेयर बेचते थे, नॉलेज इनको बहुत ज्यादा थी, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, सबके शेयर खरीदे। $10,000 जब इन्होंने कॉलेज खत्म किया, इनकी खुद की सेविंग्स $10,000 हो गई थी। वॉरेन बुफे की दूसरी टिप, दूसरी चीज वो कहते हैं आपकी सेविंग्स सेव करते रहो, सेविंग्स ही हमेशा काम आती हैं। अपना खुद का पैसा नहीं बल्कि जो तुमने अर्न किया है उसको इन्वेस्ट करते रहो, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, करोड़पति हो जाओगे। तो सेविंग्स इनकी $10,000 हो गई थी, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला मुझे कॉलेज जाना ही नहीं, क्यों नहीं जाना, मेरे पास इतना सारा पैसा है, 12th कर लिया, क्या जाने की जरूरत है कॉलेज। इन्होंने अपने पिताजी से बोला मैं कॉलेज नहीं जाने वाला। इनके पिताजी ने एक झापड़ मारा, बोला इधर आओ, क्यों नहीं कॉलेज जाओगे, कॉलेज जाओ चुपचाप, ये कुछ नहीं है, कॉलेज को स्किप मत करो, अपनी पढ़ाई को कभी भी स्किप मत करो। और ये जो एडवाइस थी ये वॉरेन बुफे ने दिल से लगाई, तभी तो अपने पिताजी को बहुत बड़ा मेंटोर मानते हैं वो। जो इनके पिताजी हैं वो इनके जीवन के सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे, अपने पिताजी से बहुत ज्यादा क्लोज थे। जब भी वॉरेन बुफे भटके इनके पिताजी ने गाइड किया, तो इनके पिताजी ने बोला कि कॉलेज बिल्कुल फिनिश करो। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में इन्होंने पढ़ाई शुरू की, 16 साल के थे, बिजनेस स्टडी की, लेकिन असली पढ़ाई इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की जब इन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री ली, क्योंकि यहां पे वो मिलते हैं अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम। तीसरी सक्सेसफुल टिप, यहां पे बोलते हैं वॉरेन बुफे कि एक आइडल को बनाओ, मतलब तुम्हारा एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक गुरु को बनाओ और उसकी क्वालिटीज को फॉलो करो। तो बेंजामिन ग्राहम गुरु थे यहां पे वॉरेन बुफे के। बेंजामिन ग्राहम ने
बहुत सारी किताबें लिखी हैं दोस्तों, और इनकी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तो बहुत ही फेमस किताब है जो ये बताती है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बुफे जो है वो बोलते हैं कि मैं 85% बेंजामिन ग्राहम हूं, 15% फिलिप फिशर हूं। तो ये क्या 85%, 15% और बेंजामिन ग्राहम ने क्या बोला था, वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, मैं बताऊंगा। बेंजामिन ग्राहम की ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो वॉरेन बुफे बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे बेंजामिन ग्राहम से, बेंजामिन ग्राहम ने काफी कुछ सिखाया वॉरेन बुफे को, उसके बाद बेंजामिन ग्राहम के ही साथ काम करने लगे। 1954 से लेकर 1956 तक बेंजामिन ग्राहम के साथ काम किया, फिर वापस आ गए, काम सीख लिया, अब अपना बिजनेस बनाया, बढ़ाया इन्होंने अपने बिजनेस, अपनी फर्म को इन्होंने नाम दिया बुफे पार्टनरशिप लिमिटेड। 1956 में इन्होंने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया था, वही स्टॉक्स खरीदती थी। चौथी टिप यहां पे वॉरेन बुफे बताते हैं कि अगर आपका पैशन आपका काम बन जाए तो कमाल हो जाए, फिर आपको काम काम नहीं खेल लगेगा। बहुत लकी लोग होते हैं दोस्तों जिनका जो पैशन होता है वही वर्क सोर्स भी होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों के सपने कुछ होते हैं, उनको करना कुछ होता है, मतलब वो करते कुछ हैं, लेकिन वॉरेन बुफे जो उनका सपना था वही उन्होंने किया, बिजनेस करना शुरू किया। सबसे ज्यादा इनको पसंद था शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे ही इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अंडर वैल्यूड शेयर्स खरीदे, उन कंपनीज के शेयर खरीदे जो कम थे, जो लॉस में जा रही थी, सही समय का वेट किया, और जैसे ही समय सही समय आया सारे स्टॉक सारे शेयर्स बेच दिए, ढेर सारा पैसा कमाया यहां पे वॉरेन बुफे ने। बट अगेन उसके लिए आपको काफी पेशेंट रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तो ये चीज है। इसी दौरान दोस्तों इन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बर्कशायर हैथवे खरीदी, मतलब इसके शेयर्स ये खरीदने लगे। अब बर्कशायर हैथवे के शेयर्स तो खरीदने लगे, लेकिन एक टेक्सटाइल कंपनी काफी लॉस में भी जा रही थी, धोखा भी दे दिया था बर्कशायर के एक जो यहां, मतलब बर्कशायर जो कंपनी थी, इन्होंने वॉरेन बुफे को शेयर्स के मामले में धोखा भी दिया था। वॉरेन बुफे ने कुछ प्राइस लगाया, बर्कशायर ने कुछ प्राइस दिया, मूड खराब हो गया वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी बिजनेस करो तो अपने इमोशंस को काबू में रखो, इमोशंस को बिल्कुल साइड में रख दो, इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है, प्रोफेशनल रहो। पहली बार वॉरेन बुफे ने इस रूल को तोड़ दिया, बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदते गए, लॉस में जा रही थी बर्कशायर हैथवे, तब भी खरीदते गए, क्योंकि उनके ईगो को हर्ट कर दिया था जो धोखा दिया था बर्कशायर हैथवे ने, खरीदते गए। और फाइनली तब तक इन्होंने शेयर्स को खरीदा जब तक पूरी जो कंट्रोल है बर्कशायर हैथवे का वो वॉरेन बुफे के हाथ में नहीं आ गया। लेकिन जब वॉरेन बुफे के हाथ में इसका कंट्रोल आया तब उनको पता चला ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इससे तो मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस होगा, फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है, टेक्सटाइल डिवीजन को बंद कर दो। इन्होंने टेक्सटाइल डिवीजन को हटा दिया, मुझे करना ही नहीं टेक्सटाइल में बिजनेस। इन्होंने बर्कशायर को एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बना दिया कि अब से हम शेयर्स खरीदेंगे, अब से हम स्टॉक्स खरीदेंगे, दूसरी कंपनीज को खरीदेंगे। वहां से फिर जो सक्सेस स्टोरी वॉरेन बुफे की स्टार्ट हुई कभी रुकी ही नहीं। वॉरेन बुफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे अगर अभी भी आप देखें, 70 से 80 बिजनेस है वॉरेन बुफे के, ज्यादातर कंपनीज में इनके शेयर्स हैं, तो यहां पे जो स्टाफ है वो बहुत कम है, 25 से 30 लोगों का स्टाफ है बस, और ज्यादा लोग यहां पे काम नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग भी हैं बहुत पुराने और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, ये भी इनकी सफलता का राज है। कम लोग रखो लेकिन जो लोग रखो उन पे आप भरोसा कर सकें, एक अच्छी टीम बनाओ, तभी तो एक अच्छी टीम से ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, सीधी सी बात है। तो ये चीज हुई, बर्कशायर हैथवे को खरीदा और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। वैसे 1962 तक इन्होंने इतना सही दांव खेले थे, जो भी कंपनीज के शेयर खरीदे वो इतने बेहतरीन वॉरेन बुफे के लिए साबित हुआ, देखते ही देखते करोड़पति बन गए, मिलेनियर बन गए थे इनकी पार्टनरशिप्स की वजह से। फिर हैथवे खरीद ली, बहुत सारी सेविंग्स आ गई, बहुत ज़रा पैसा आ गया, बंगला बना लिया, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन अगेन बर्कशायर हैथवे का जो डिसीजन था शुरू में तो वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में बर्कशायर हैथवे अभी आप देख ही रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में से एक है। बर्कशायर हैथवे की बात करें, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो यहां पे हम देखते हैं ये जो दांव था ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीदे। इसमें कोका कोला का तो बहुत ही फेमस है, कोका कोला के ढेरों शेयर खरीद लिए थे, और बाद में कोका कोला ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए, 9000% का रिटर्न मिला। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपने 1 रुपए लगाए हैं स्टॉक मार्केट में
तो आपको 9000 रुपए मिलेंगे, 1 रुपए से 9000 रुपए। आप सोच सकते हैं, एग्जाम्पल है, 9000% का रिटर्न मिला यहां पे वॉरेन बुफे को। तो जो भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया, 1000%, 1500%, 9000%, इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत देखते ही देखते मिलेनियर, और मिलेनियर से बन गए ये बिलियनियर। वॉशिंगटन पोस्ट हो गई, GEICO हो गई, एक्सॉन हो गई, कोका कोला हो गई, हर कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया। आपको बता दूं, वॉरेन बुफे हमेशा अंडर वैल्यूड शेयर खरीदते हैं, ये इनकी सक्सेस का राज है। भैया शेयर तब खरीदो जब मार्केट डाउन हो, सस्ते में मिलेंगे, और उन कंपनीज के खरीदो जो अंडर वैल्यूड हैं। उसके बाद अंडर वैल्यू मतलब जो उनकी असली वैल्यू होती है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उससे कम में खरीदो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगा, उनके भी शेयर्स बढ़ेंगे, उस शेयर को फिर ज्यादा दामों में बेच दो, जो प्राइस है शेयर का, इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी है। उसके बाद फिर कोका कोला के शेयर्स खरीदे, 1989 से लेकर 2006 तक कोका कोला के डायरेक्टर भी, अभी भी बोलते हैं कि मेरे बॉडी में 25% कोका कोला है। वॉरेन बुफे के बारे में बोला जाता है कि 5 से 6 कैन डेली कोका कोला पीते हैं, ठीक है। तो कोका कोला से इनको बहुत ज्यादा प्यार है। फिर बहुत सारी कंपनीज खरीदी, पार्टनरशिप की, बिल गेट्स के भी साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दूं कि वॉरेन बुफे के बारे में शुरू में ये बोला जाता था कि ये बिल्कुल भी ये फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी उन कामों में दान नहीं, इतना पैसा है लेकिन फिर भी कभी वॉरेन बुफे दान नहीं करते, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। वॉरेन बुफे ने सबको गलत साबित करके अब तक का सबसे बड़ा दान दिया, और वैसे भी वॉरेन बुफे बोलते हैं कि मेरी सारी वेल्थ वो मैं दान में ही दे दूंगा। 85% अपना उन्होंने मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको दान दे दिया, बिल गेट्स ने जो खोली है। बिल गेट्स की बायोग्राफी मैंने कवर की है, आप देख लीजिएगा। देखते ही देखते बर्कशायर हैथवे आसमान छूने लगी, इनके शेयर्स भी आसमान छूने लगे। दोस्तों $2,00,000 तक बर्कशायर हैथवे के शेयर्स पहुंच गए, सोचिए इतने महंगे शेयर पहुंच गए। तो दोस्तों जो भी इंसान शेयर्स को खरीदेगा, बर्कशायर हैथवे के शेयर को खरीदेगा, उसको $2,00,000 देने पड़ेंगे। $2,00,000 मतलब बहुत हो गया, कितना ज्यादा अमीर हो जाएंगे आप खुद ही सोच लीजिए। तो वॉरेन बुफे ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर करके ढेर सारा पैसा बनाया, ठीक है। तो ये चीज, बात करें वॉरेन बुफे की पर्सनल लाइफ की, तो इनकी शादी हुई है सूजन से 1952 में, और 3 बेटे हैं, मतलब 3 बच्चे हैं वॉरेन बुफे के। एक तो सूजन जूनियर जो कि बेटी है, हार्वर्ड और पीटर बुफे, ठीक है। तो ये है, हालांकि सूजन जो थी, इनकी पत्नी जो थी, वो बिल्कुल अलग थी। वॉरेन बुफे अलग, ये अलग, और सूजन को बहुत ही हाईली एम्पैथेटिक थी, लोगों से बहुत ज्यादा एम्पैथी रखती थी। उस समय आपको पता ही है कि 1952-1960 का जो दशक था, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जो थे, वो पूरा सिविल राइट्स मूवमेंट, ब्लैक्स के लिए वो राइट्स मांग रहे थे, वोटिंग राइट्स थे नहीं उस समय। वॉरेन बुफे उनकी स्पीच से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, मार्टिन लूथर किंग की स्पीच से। और सूजन जो थी वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। तो सूजन का हमेशा ये कहना था कि जो तुम पैसा कमा रहे हो वो दान कर दो। पैसा सूजन के लिए, जो इनकी बीवी थी, उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। इसीलिए ही 1970s में वॉरेन बुफे और सूजन अलग रहने लगे, लेकिन फिर भी वॉरेन बुफे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ये चीज है चुके हैं दोस्तों। और अगर हम 2006 से लेकर 2017 तक की बात करें, तो वॉरेन बुफे ने अभी तक $28 बिलियन दिया है चैरिटी में, बहुत बड़ी रकम है। तो ये चीज है, एस्टिमेटेड नेट वर्थ 2018 तक की बात करें तो $84 बिलियन, और अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है। ये चीज है, बहुत कुछ किया इन्होंने। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, उसमें 85% तक इन्होंने दान दे दिया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब इनके रूल्स की बात करते हैं, बेंजामिन ग्राहम के ही रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, भैया अपने पैसे को मत खो, और ये मत भूलो कि तुम्हारे पैसे नहीं खोने हैं तुम्हें। तो रूल नंबर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी पैसे को मत खो, इन्वेस्ट करो, देख दाख के करो, बहुत ही शांति से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो पैसा जाएगा ही जाएगा, और प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट से जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करो। यहां पे नेवर लूज मनी का यही मतलब है दोस्तों। एक चीज आपको और बताता हूं कि देखिए, दो लोगों की ये फिलॉसफी फॉलो करते हैं। एक तो बेंजामिन ग्राहम ने क्या बोला था कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदो, उन स्टॉक्स को खरीदो जिनकी कीमत कम है उसको खरीदो, उसके बाद सही वक्त का इस्तेमाल करो, वेट फॉर द राइट पिच। सही वक्त का इस्तेमाल करो, जब सही वक्त आए, जब मार्केट ऊपर जाए, तुरंत इन स्टॉक्स को बेच दो।
हालांकि इसमें आप देखिए ट्रेंड फॉलो करिए कि जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, उसका ट्रेंड क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके बाद सेकंड, ये फिलिप फिशर का रूल फॉलो करते हैं, इन्वेस्ट इन क्वालिटी बिजनेस, जो बिजनेस अच्छा हो, भले ही वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें इन्वेस्ट करो, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेजोन की बात करते हैं दोस्तों। अमेजोन जब आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। वॉरेन बुफे ने सोचा था, कोका कोला के साथ भी यही था। वॉरेन बुफे ने देख लिया था, भांप लिया था। तो देख समझ के, मैथ्स लगा के ये सारी चीजें करनी चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, उसके बाद बिजनेस बहुत सफल होता है। और अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इन दोनों की फिलॉसफी को मिला दिया जाए तो यही है कि क्वालिटी स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड प्राइस में खरीदो, सीधी बात है। और उसके बाद वो पैसा मिलेगा, गिनते गिनते इंसान थक जाता है। सोचिए 9000%, 9000% प्रॉफिट हुआ था वॉरेन बुफे को, जो भी शेयर्स इन्होंने खरीदे थे उनका दाम इतनी तेजी से बढ़ा था। लेकिन दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम यहां पे ये देखते हैं कि जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। आपको पहली बात तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप वो स्टॉक्स को भी खरीदिए जो जो वो मतलब उस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करिए, उस स्टॉक्स को भी खरीदिए जो अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन आने वाले समय में अच्छे खासा आपको रिटर्न्स देंगे। अभी आप कैसे करेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, पीई रेशियो देखिए दोस्तों, उसके बाद ट्रेंड्स देखिए कि जनरल ट्रेंड्स क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को, वो सब इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, सोच समझ के करिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। देखिए शेयर मार्केट ऊपर जाता है, रिटर्न्स अच्छे देता है, लेकिन सीधे नहीं बढ़ता है। बढ़ेगा जरूर, 10 से 15 साल में मार्केट जरूर बढ़ेगा, आपने अगर पैसे लगाए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये ऊपर नीचे जाते हुए, कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। सीधे नहीं बढ़ेगा, हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन एंड में आपको फायदा दे के ही जाएगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके लिए आपको यही करना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल। तो ये चीज है। तो इस तरीके के ये कुछ रूल्स हैं जो वॉरेन बफे फॉलो करते हैं, वो क्वालिटी स्टॉक्स और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म है, तभी तो 50 साल के बाद वॉरेन बफे का मेन प्रॉफिट हुआ। 50 साल के बाद प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। 25-30 साल में इन्होंने शेयर्स खरीद लिए, 50 साल के बाद बेच दिए जब बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीज है, आई होप आप चीज समझ रहे होंगे। तो ये वॉरेन बुफे के कुछ टिप्स थे। एक उन्होंने और चीज बोली थी कि पब्लिक स्पीकर अच्छे बनिए, ठीक है। इंसान को एक अच्छा ओरेटर होना चाहिए। वॉरेन बुफे ने, अगर वो बिजनेस चलाना चाहता है, तो वॉरेन बुफे ने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी किया था। तो वॉरेन बुफे बोलते हैं पब्लिक स्पीकर अच्छा ओरेटर होना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, तब सब कुछ अच्छा होता है। तो ये लेक्चर था वॉरेन बुफे पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।